आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, काफी तेजी से लोग उसकी तरफ मतलब इसको प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बचा के देती है ना अल्टीमेटली हम जैसे मिडिल क्लास को। इसीलिए तो ऐसे में ओला कंपनी होगी, ये थ्री कंपनी होगी, बहुत सारी कंपनी इस सेगमेंट में उतरी है। तो ऐसे में जो पुराने प्लेयर हैं, जैसे होंडा हो गया, हीरो हो गया, सब उतरते वाले हैं, उतर रहे हैं उतने वाले के। हीरो तो उतर चुका है, होंडा भी उतरने वाला है। तो होंडा ने भी अब ये कहा है कि वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगा, कंफर्म कह रहा है कि जल्दी लॉन्च करेगा फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो वो ये भी कह रहा है कि वो मिड रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे जो कि मिडिल क्लास को काफी टारगेट करेंगे। तो इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बताऊंगा आपको कि कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है, कौन सा स्कूटर लाएगी, या क्या पता वो एक्टिवा का भी इलेक्ट्रोविजन लेके आए। मैं दावा नहीं कर रहा, क्योंकि कंपनी का ही होता है ना, लास्ट मोमेंट में नाम चेंज कर देगी। अभी वो बोल रही होंडा इलेक्ट्रिक है, मगर बाद में कुछ नहीं लेके आ जाएगी। तो अगर आप लोग जानना है कि फिलहाल कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है, कौन सा लाने वाली 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो भैया ये वीडियो को एंड देना, कहीं भी स्किप मत करो। इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने पहले आप सभी को राम राम, कैसे हैं आप लोग, और मेरे सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली से मिलती रहे, मेरे को मोटिवेशन आती रहे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वो बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे गवर्नमेंट काम करते कोई डेडिकेशन नहीं है। आप लोगों को तो पता है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है काफी तेजी से और मजबूती से बढ़ रहा है। ऐसे में जो कंपनियां वो पेट्रोल स्कूटी लॉन्च करने में थोड़े हिचक रही है और बहुत ही कम कर रही है। यही वजह है कई कंपनी अपने टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का या बाइक का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर रही है। तो इस रेस के अंदर होंडा कंपनी में, जैसे मैंने आपको बताया, हालांकि होंडा कंपनी का जो एक्टिव आने वाला है इलेक्ट्रिक वर्जन, उसके लिए इंडिया के अंदर जो मार्केट है वो इतने आसान नहीं होने वाले, क्योंकि इसके अंदर पहले से बहुत सारे प्लेयर अवेलेबल है, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक हो गया, एथर एनर्जी हो गया, ओकिनावा हो गया, हीरो इलेक्ट्रिक हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी जैसे टीवीएस वगैरह हो गए। तो ऐसे में होंडा कंपनी को काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए। आने वाले जो एक्टिव इलेक्ट्रिक है, इसका लुक मैक्सी स्कूटर जैसा होगा, जैसे कंपनी ने बताया है। वहीं फीचर के मामले में स्कूटर के अंदर इंडिकेटर माउंटेड फ्रंट एप्रेन, फ्लैट टाइप सीट के साथ अंडरबोड फ्रेम बनाया गया है। खास बात यह है कि इस मॉडल के अंदर जो बूट स्पेस है, मतलब स्टोरेज स्पेस, काफी ज्यादा मिल सकता है। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो इसके अंदर जो आपको बैटरी मिलेगी वो स्वैपिंग टेक्नोलॉजी से बताएगी, मतलब आप लोग निकाल के चार्ज कर सकते हो, और इसके अलावा आप लोग किराए में बैटरी ले सकते हो, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो मंथली, जैसे कि आपको बाउंस इन्फिनिटी के अंदर मिलता है। अगर मैं रेंज और कीमत की बात करूँ तो कंपनी ने होंडा एक्टिव इलेक्ट्रिक स्कूटर में अच्छी खासी बैटरी पैक दिए, जो दूसरी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। वहीं उम्मीद ये की जा रही है कि इसकी जो प्राइस होगी वो 1 लाख रुपये के आसपास होगी, और इसकी रेंज 120 से 160 किलोमीटर तक की होगी। और होंडा कंपनी ने कंफर्म किया है कि वो अपने होंडा एक्टिव को लॉन्च करने वाली है जल्दी। अब तो देखने वाली बात है कि वो करेगी नहीं करेगी, आगे पोस्टपोन कर देगी। तो अभी उसे देखने वाली बात है कि होंडा कंपनी कब इसके बारे में और डिटेल निकालेगी। फिलहाल तो कंपनी की यही प्लानिंग चल रही है कि 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लाएगी मार्केट के अंदर में। बाकी जुड़े तो